तो आओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों, सीखते हैं एक विशेष तरह का रिएक्शन जिसको हम कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन से याद आया फेनिल का। फेनिल क्या होता है? फेनिल वह होता है जो बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? फेनिल। इसको हम फेनिल बताते हैं, फेनिल बुलाते हैं, फिनाइल नहीं, फेनिल बुलाते हैं। फेनिल हैलाइड यहाँ पे लेते हैं दो मॉलिक्यूल, और साथ में इसके वही कहानी सोडियम दो एटम होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम ने इस एक्स को लेकर के भागने का प्रयास किया और लेकर के भाग गया। लेकर के भागेगा तो फेनिल फेनिल दोनों दो फेनिल फेनिल हो जाएंगे, दोनों फेनिल फेनिल अलग कैसे रहेंगे? तो साथ में आएंगे और बांड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का बांड बन गया और प्लस में यहाँ क्या निकल गया? 2NaX निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या होना जरूरी है, यहाँ पे ड्राई ईथर का होना जरूरी है। ड्राई ईथर बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। अब देखो यहाँ पे इसका एक हम थोड़ा सा बढ़िया वाला एग्जाम्पल दिखा देते हैं। अब ले लेंगे हम यहाँ पे क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कितने मॉलिक्यूल बाबू? ले लो बाबू, ले लो ले लो ले लो दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का। और लिया जैसे ही दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का, बहुत मजा आया, लेना पड़ेगा दो एटम सोडियम का। दो एटम सोडियम का, सोडियम ने क्लोरीन को देखा। अब क्लोरीन को देखा तो क्लोरीन के साथ भागने का प्लान बनाया, और क्या हो गया भैया? देखो लेके भाग गया। लेके भागा तो फेनिल फेनिल दोनों क्या हो गए? अकेले। तो फेनिल फेनिल दोनों एक साथ में क्या बना लिए? बांड बना लिए। बांड बना लिए तो अब क्या हो गया भैया? देखो क्या हो रहा है, यह हमारा फेनिल फेनिल। अब इसको हम क्या कहते हैं, दुनिया बुलाती है डाई फेनिल। डाई फेनिल क्यों? देखिए दो फेनिल है, और जब की बात हो गई यहाँ पे दो सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि सोडियम ने क्लोरीन को लेके भागा था। अब यहाँ पे क्या हो गया भैया? क्या आपके क्लोरीन नमक में आयोडीन है? नहीं, हमारे नमक में आयोडीन होना जरूरी नहीं है, ड्राई ईथर होना जरूरी है। तो ध्यान रहे बच्चों, फिटिक रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन दोनों एक जैसे तो दिखते हैं, लेकिन फिटिक रिएक्शन में फेनिल होता है और वुड्स रिएक्शन में हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।